नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया, आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करेंगे। लखनऊ से बड़ी जानकारी मिल रही है, जहां भारी बारिश अव्यवस्था के मद्देनजर सीएम योगी आदित्यनाथ ने आदेश जारी किए हैं। नगर निकाय और पंचायती राज के सभी अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किए गए। फील्ड जाकर रिकॉर्ड तोड़ बारिश के कारण हुए नुकसान का जायजा लें, लोगों को समुचित राहत पहुंचाए। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की लखनऊ से मिल रही है। आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने स्वास्थ्य विभाग और नगर निकाय को यह भी निर्देश दिया है कि जल जमाव के कारण कोई रोग ना फैले, इसके लिए तमाम व्यवस्थाएं की जानी चाहिए। लखनऊ से ये बड़ी जानकारी इस वक्त की। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के कई जिले बाढ़ग्रस्त हो गए हैं। भारी बारिश की वजह से जिलों में लगातार आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है, जिसकी वजह से सीएम योगी आदित्यनाथ ने तमाम दिशा निर्देश दिए हैं। नगर निकाय पंचायती राज से जो अधिकारी हैं वो वहां पर पहुंचे, फील्ड पर उतरे, लोगों का हालचाल जाने। इसके अलावा राहत सामग्री भी लोगों तक पहुंचाई जानी चाहिए, तो लोगों को समुचित राहत मिलनी चाहिए। जो लोग पलायन कर रहे हैं उनके लिए व्यवस्था हो, जिन लोगों की आशियाने पूरी तरह से तबाह हो गए हैं बाढ़ बारिश में, उनके लिए भी एक बेहतर व्यवस्था होनी चाहिए ताकि अपनी गुजर बसर वो कर सके। तो पंचायती राज के सभी अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। फील्ड जाकर रिकॉर्ड तोड़ बारिश के कारण हुए नुकसान का जायजा लें, कितना नुकसान हुआ है, कितने लोग प्रभावित हैं, कितने गांव का संपर्क शहरों से टूट गया है, कितने नदी नाले ऐसे हैं जो इस वक्त खतरे के निशान से ऊपर बह रहे हैं। ये सभी जानकारी योगी आदित्यनाथ ने जुटाने के लिए कहा है, और अगर कोई ऐसा नहीं करता तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की लखनऊ से मिल रही है। आपको बता दें कि मौसम विभाग लगातार यूपी को लेकर अलर्ट जारी कर चुका है कि 17 और 18 सितंबर को भारी बारिश हो सकती है, जिसकी वजह से आम जनजीवन प्रभावित हो सकता है। ऐसे में सभी शैक्षणिक संस्थान बंद हैं। इसके अलावा योगी आदित्यनाथ ने तमाम दिशा निर्देश दिए हैं। और लखनऊ से ब्यूरो चीफ रूबी सिद्दीकी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गई है। रूबी, ये बड़ा फरमान योगी आदित्यनाथ ने जारी किया है, क्या कुछ जानकारी? काजोल, देखिए कल लगातार जो बारिश हुई है उसके देखते हुए काफी नुकसान हुआ है लखनऊ समेत तमाम यहाँ के जो जिले हैं सभी जगहों में। मुख्यमंत्री ने कहा है कि अगले दो दिन यानी 17 और 18 लगातार स्कूल बंद रहेंगे। दोनों दिन कोई भी स्कूल अगर कॉलेज खुलते हैं तो उनके जो संस्थान के जो लोग होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही साथ कई क्षेत्रों में आज जो मंडल युक्त जो जिलाधिकारी होंगे उनको कहा गया है कि राहत कार्य में जुट जाए, कहीं पे नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करने के लिए लग जाए। यानी कि अभी आप तैयारी इस बात को लेकर कर लें, जगहों पर निकले, क्षेत्रों में निकले और जाकर देखें कि किस तरीके से नुकसान हो रहा है। कई जगहों पे सूचना ये भी थी कि कुछ लोगों के मरने की भी सूचना थी। इसके साथ इसके यहाँ से लखनऊ से सटता हुआ बाराबंकी है, वहाँ पे भी कल दीवार गिरने से बेटी और पिता का डेथ हो गई थी, तो उसको लेके भी संज्ञान लिया गया है। और जो लगातार जल भराव हो रहे थे उसको लेकर पीडब्ल्यूडी को भी खास निर्देश दिए गए हैं कि ऐसे गड्ढे मुक्त जो जगह है उनको क्यों। बिल्कुल रूबी, अगर लखनऊ या आसपास के जिलों की मैं बात करूं तो कितने गांव ऐसे हैं जो प्रभावित हैं बाढ़ बारिश की वजह से, कितने लोगों ने पलायन किया है और कहां कहां पर राहत सामग्री पहुंचा दी गई है? काजोल, देखिए संबंधित जनपद जो भी है अधिकारी हैं उनको ये ही कहा गया है कि आप आपदा को लेकर जो नुकसान हुआ है उसका आंकलन करें। यानी कि गांव जो है वो काफी माना जा रहा है कि जो तटते हुए जहाँ पे नदियाँ उफान है उसको लेते हुए कहा गया है कि आप एक लिस्ट तैयार कर ले और उन जगहों को लेकर जो आस पास के जो गाँव बसे होते हैं, कच्चे मकान होते हैं, उन जगहों पर खास नजर रखा जाए। तो ऐसे में यही कहा जा रहा है लगभग 14 से 15 जो गाँव है तकरीबन उनको अभी तक लिस्ट में नाम ले लिया गया है। और अब इसके बाद अभी और जारी है कि कहाँ कहाँ पे और जगहों पे जिलों में इस तरीके से नुकसान हो रहे हैं। लेकिन मुख्यमंत्री ने खास कहा है कि अगर इस तरीके से कोई भी कोताही बढ़ती गई कि यानी कि डीएम भी नपेंगे और इसके साथ साथ जो वहाँ के अधिकारी होंगे उनकी भी कहीं ना कहीं सुनवाई नहीं हो पाएगी। तो सख्त है इस टाइम खास तौर से डीएम और जिलाधिकारी जो वहाँ के होंगे जिला में, उसको खास कहा गया है सीएम ने कि आप निगरानी बना के रखें, अपने कमेटी को बाहर निकाले। देखिए रूबी, अगर देखा जाए तो वायरल बुखार को लेकर और डेंगू को लेकर पहले भी योगी आदित्यनाथ ने तमाम दिशा निर्देश दिए थे, लेकिन उस पर कोई खास काम नहीं हुआ है, क्योंकि लोगों से बातचीत की जा रही है। न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया खुद जमीनी स्तर की हकीकत जानने की कोशिश कर रहा है, लोगों तक पहुंचा रहा है। लोगों का ये कहना है कि स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक नहीं है, इलाकों में साफ सफाई नहीं है। ऐसे में दूसरा फरमान बाढ़ बारिश को लेकर जारी किया है योगी आदित्यनाथ ने, क्या लगता है वो अलर्टनेस देखी जा रही है?
देखिए काजोल, अक्सर ये देखने को मिलता जरूर है कि सीएम आदेश देते हैं और उसके बाद आनन फानन में कुछ दिन तक तो वो चीज को फॉलो अप दिखता है, लेकिन थोड़े दिन के बाद देखा जाता है कि कहीं ना कहीं ठंडे बस्ती में चला जाता है। अब वायरल फीवर की अगर बात करते हैं, डीएम सीएम ने खुद मिलकर मीटिंग करी थी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कि अगर कहीं से भी कोई लापरवाही की जाती है तो तमाम जो डॉक्टर है सीएम से उसको सख्त कड़ी उसके लिए कार्रवाई की जाएगी। अब बाढ़ को लेकर भी उन्होंने यही कहा था और अब वो खुद कह रहे हैं कि इस बात को लेकर हेलीकॉप्टर से वो खुद निगरानी करेंगे और अब जो नुकसान हुए हैं उसके लिए भी ये कहा जा रहा है कि सीएम उन सब जगहों पे जा सकते हैं, यानी कि ऊपर से वो एक बार फिर से निगरानी करेंगे कि कहाँ कहाँ पे उनके आदेशों का पालन हुआ है। तो सख्त जरूर दिखते हैं, लेकिन आनंद फानंद में जो 4-5 दिन होते हैं वही देखने को मिलता है, बाकी जो दिन होते हैं वो ठंडे बस्ते में गिरते हुए नजर आते हैं। बिल्कुल रूबी, आज सभी शैक्षणिक संस्थान भी योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद बंद किए गए हैं, 2 दिनों तक बंद रहेंगे। आगे क्या जानकारी मिल रही है? 2 दिन के लिए तो बंद हैं, उम्मीद कब है, कब खुलेंगे? काजल, अभी तक जो सूचना है उसमें कहा गया है कि डीएम ने कल रात में एक आदेश दिया था जिसमें कहा गया सभी शिक्षण संस्थान जो है वो 17 और 18 बंद रखे, अगर कोई भी खुला हुआ पाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अब अगले आदेश तक इंतजार रहेगा कि मंडे से एक बार फिर से शुरुआत हो सकती है, लेकिन अगर बारिश बनी रहे, कि यहाँ पे येलो अलर्ट जारी कर दिया गया था मौसम विभाग की तरफ से, कहा यही गया था जितने भी जिले हैं उन सभी जिलों में खासतौर से लखीमपुर है, शाहजहांपुर है, लखनऊ है, बाराबंकी है, बहराइच है और भी तमाम जिलों के नाम निकल के आ रहे थे कि जहाँ जहाँ पे बारिश लगातार बनी हुई है और ऐसी जगहों में सब जगह पे स्कूल बंद कर दिए जाए, अगर कोई भी स्कूल खुला पाया जाता है तो ऐसे में वहाँ के जो प्रिंसिपल है उसके लिए कार्रवाई की जाएगी। तो 2 दिन तो खास नजर बनी हुई, कोई स्कूल खुला ना हो, बंद पड़ा हो, और अब मंडे तक का इंतजार इसी बात का है, अगर कोई स्कूल के लिए कोई आदेश रातोरा जारी किया जाता है उसके लिए अभी वेट करना पड़ेगा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया रूबी तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए, नजर बना के रखेगा इस पूरे मामले पर, अपडेट आपसे हम लेते रहेंगे। किसानों का हल्ला बोल, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना 71वां जन्मदिन मना रहे हैं, बीजेपी इस जन्मदिन के मौके को खास करने में जुटी हुई है, लेकिन राजधानी दिल्ली में अब एक और इलाके का रूट आमजन के लिए बंद हो गया है, वो क्यों इस खबर में हम आपको बताएंगे। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने झरौदा कला बॉर्डर वाली सड़क को भारी पुलिस जब्ता तैनात कर बंद कर दिया है। ट्रैफिक पुलिस की ओर से इस बारे में बताया गया है कि श्रीमणि अकाली दल और किसान आंदोलनकारियों के प्रदर्शन को देखते हुए ये फैसला लेना पड़ा। आपको बता दें कि 3 कृषि कानूनों के 1 साल पूरे होने पर श्रीमणि अकाली दल आज गुरुद्वारा श्री रकाबगंज साहिब से संसद भवन तक ब्लैक फ्राइडे मार्च का आयोजन कर रहा है, लेकिन ये आयोजन पूरा नहीं होने दिया जा रहा है। जगह जगह पर बैरिकेडिंग्स हैं और इन कार्यकर्ताओं को रोका जा रहा है, कोई अप्रिय घटना ना हो इसके मद्देनजर ये बड़ा फैसला लिया गया है। दिल्ली पुलिस पूरी तरह से अलर्ट है, लेकिन ये जो किसान हैं और ये जो श्रीमणि अकाली दल के कार्यकर्ता हैं वो पीछे हटने का नाम नहीं ले रहे हैं। तो ब्लैक फ्राइडे प्रोटेस्ट मार्च ये निकाला जा रहा है। तो चलिए आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि कृषि कानून के बारे में, आखिर कृषि कानून ये जो नया आया है ये क्या है, इसमें किस तरह के बदलाव किए गए हैं और क्यों किए गए, ये किसानों के लिए कितना अहम है, कितना महत्वपूर्ण है, सरकार किसानों को लेकर किस तरह से सोच रही है। 17 सितंबर को केंद्र के 3 कृषि कानून अधिनियम लागू हुए थे जिसके बाद देश में विरोध का सिलसिला शुरू हुआ था। दिल्ली से लेकर पंजाब, हरियाणा और देश के अन्य हिस्सों में भी इन किसानों ने पलायन कर विरोध प्रदर्शन किए और कई बार ये प्रदर्शन हिंसापूर्ण भी रहे हैं, जैसा कि 26 जनवरी को हमने देखा था कि कुछ अराजक तत्वों ने इस प्रदर्शन को पूरी तरह से हिंसात्मक कर दिया। किसान नेता के रूप में राकेश टिकैत को भी खूब फुटेज मिली है और एक बार फिर से राकेश टिकैत जो हैं वो बढ़ चढ़कर सामने आए हैं। उन्होंने जगह जगह अपना आंदोलन जारी रखा। आज 3 कृषि कानूनों को लागू हुए 1 साल पूरा हो गया है। श्रीमणि अकाली दल आज दिल्ली में काला दिवस मना रहा है। मार्च को ब्लैक फ्राइडे प्रोटेस्ट मार्च का नाम दिया गया है, जिसके चलते तमाम कार्यकर्ता सड़कों पर है। आम आदमी पार्टी भी प्रदर्शन करने की तैयारी कर रही है, ऐसी जानकारी मिली है। आम आदमी पार्टी काला दिन मनाएगी।
तो राज्यों में किसान आंदोलन किन किन राज्यों में है जरा आपको जानकारी दे दें। हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, दिल्ली। किसानों की मांग क्या है वो भी हम आपको आगे बताएंगे। किन किन इलाकों में हो रहा है वो आपको बता रहे हैं। सरकार तीनों कृषि कानून रद्द करे, सरकार एमएसपी पर खरीदी का कानूनी अधिकार दे और एमएसपी पर स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट लागू हो, पराली जलाने पर जेल और जुर्माने का नियम रद्द हो, किसानों के लिए डीजल के दाम 50% कम किए जाएं। ये वो मांगे हैं जो किसान लगातार कर रहे हैं सरकार से। तो किसानों के लिए डीजल के दाम 50% कम किए जाएं, किसानों के खिलाफ देश भर में दायर केस वापस लिए जाएं। विपक्षी पार्टियों का समर्थन, कौन कौन सी विपक्षी पार्टियां हैं वो भी आपको गिना देते हैं। श्रीमणि अकाली दल, समाजवादी पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय समाज पार्टी और इसके अलावा आम आदमी पार्टी भी लगातार किसान आंदोलन का समर्थन कर रही है। तो ये ग्राफिक्स के जरिए हमने आपको समझाया है कि ये जो आंदोलन है वो क्यों हो रहा है, क्योंकि आज एक साल हो गया है इस कृषि कानून को पारित हुए। ऐसे में किसान गुस्साए हुए हैं। श्रीमणि अकाली दल लगातार दिल्ली जाने में संसद तक घेराव की कोशिश कर रहा है, लेकिन दिल्ली बॉर्डर्स पर उन्हें रोक दिया गया है और बैरिकेटिंग्स लगा दी गई है। बहुत कोशिश की जा रही है कि वो पीछे हट जाएं, लेकिन वो पीछे हटने का नाम नहीं ले रहे हैं। इसके अलावा कौन कौन सी पार्टियां समर्थन कर रही हैं किसान आंदोलन का, वो भी हमने आपको जानकारी दी है और तमाम बातें लगातार हम ग्राफिक्स के जरिए आपको बता रहे थे। आप बता दें कि आज तीन कृषि कानूनों का एक साल पूरा हुआ है, तो ऐसे में ब्लैक फ्राइडे प्रोटेस्ट मार्च श्रीमणि अकाली दल ने इसे नाम दिया है। इसके अलावा आम आदमी पार्टी ने भी काला दिन इस दिन को नाम दिया है। किसानों का आंदोलन लगातार जारी है, किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है। पंजाब से चला यह आंदोलन दिल्ली के बॉर्डर्स पर टिका हुआ है। और इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए मेरे सहयोगी नीरज मेरे साथ दिल्ली से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। नीरज, दिल्ली की अगर मैं बात करूं तो किस तरह के हालात नजर आ रहे हैं, क्योंकि श्रीमणि अकाली दल के कार्यकर्ता और किसान वहां पर पहुंचे हुए हैं? जी, मैं आपको बता दूं, जो किसान है इस टाइम रकाबगंज गुरुद्वारे के ऊपर अकाली दल के जो लोग हैं वो बिल्कुल धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उनके धरना प्रदर्शन के लिए उन्होंने पूरा जो रोड है, पूरी दिल्ली के आउटर रिंग रोड जो है वो पूरे का पूरा जाम कर दिया है। और वो काले जो तीन बिल काले पास किए गए हैं उसको मद्देनजर प्रदर्शन कर रहे हैं कि वो काले बिल जो है या तो वापिस हुए जाए, क्योंकि एक साल से लगातार प्रदर्शन जो है चल रहा है दिल्ली के बॉर्डरों के ऊपर। पंजाब अंदर भी बॉर्डर सील कर दिए गए हैं और पंजाब से काफी संख्या के अंदर जो है अकाली दल के लोग हैं, अकाली दल के जो लोग हैं वो काफी मात्रा के अंदर दिल्ली के अंदर पहुंचे हैं और आज रकाबगंज गुरुद्वारे के ऊपर प्रदर्शन कर रहे हैं। बिल्कुल नीरज, देखा जाए तो इनका कहना है कि रकाबगंज गुरुद्वारे से ये एक मार्च निकालेंगे और ये मार्च जो है वो संसद पर खत्म होगा, लेकिन दिल्ली पुलिस पहले से ही अलर्ट है, तमाम रूट डाइवर्ट किए गए हैं। कौन कौन से वो रूट हैं जो पूरी तरह से बंद हैं और कौन कौन से ऐसे रूट हैं जिन्हें डाइवर्ट किया गया है? दिल्ली वासियों को खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है आज। मैं आपको बता दूं, पहले ही आज दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने एक अल्टीमेट डायरी जारी कर दी थी, जो रूट बंद रहेंगे, जिसमें कनॉट प्लेस है वो पूरा का पूरा रूट बंद है, आउटर रिंग रोड जो है वो रूट पूरा का पूरा बंद है, ताकि जो ये जो प्रदर्शन होगा जब ये निकलेगा तो किसी भी उस पर दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। मगर अगर जाम की बात की जाए तो इस टाइम पूरी दिल्ली जाम पड़ी हुई है, क्योंकि मेन जो रूट है वो सारे के सारे बंद है, उस पर 4 से 5 किलोमीटर का लंबा जाम लग चुका है। बिल्कुल नीरज, आगे क्या तैयारी है श्रीमणि अकाली दल की और इन किसानों की जो दिल्ली पहुंच चुके हैं और आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं? जी, मैं आपको बता दूं, अभी संसद तक ये वहां से निकलेगा और संसद पे जाके खराब करने की पूरी तैयारी है। फिर आगे अकाली दल के जो नेता हैं वो लगातार किसानों के फेवर में बात करते आ रहे हैं और काले जो तीन बिल काले हैं उनको वापस लेने के लिए लगातार कार्यक्रम बना रहे हैं। आगे की रणनीति वही संसद पे ही तैयार हो पाएगी। बिल्कुल, और नीरज ये भी जानकारी मिल रही है कि आम आदमी पार्टी भी आज एक मार्च निकाल सकती है, क्योंकि आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा गया है कि आज वो काला दिन के रूप में इस दिन को मनाएगी। देखिए, मैं आपको बता दूं, अभी जो सिचुएशन है, जो हालात है इस टाइम, वो कुछ भी कहना पॉसिबल नहीं होगा। मगर अगर अकाली दल की बात की जाए तो अकाली दल जो है पुरानी राजनीति अपनी जमीन जो है वो वापस लेने के उसमें लगी हुई है, अपना पूरा का पूरा दमखम लगा रहे हैं लोग जो नेता है यहाँ के, कि भाई हमारे को किसी तरह ये सरकार के ऊपर दबाव बना के जो है काले बिल जो है ये वापस लिए जाए और जो जितने भी
बॉर्डर है, जितने भी पंजाब के अंदर भी बॉर्डर सील किए गए उनको रीओपन करने की बात भी चल रही है। देखिए जिस तरह से ये प्रदर्शन हो रहा है, ये मार्च निकाला जाएगा, क्या लगता है सरकार इस प्रदर्शन के तहत कोई बातचीत रख सकती है किसानों को लेकर? देखिए शिरोमणि अकाली दल की बात करें तो सालों से एनडीए के साथ गठबंधन किया हुआ है, बीजेपी के साथ रही, लेकिन इस कृषि कानून की वजह से जो आज के दिन पिछले साल पारित हुआ था, इसकी वजह से शिरोमणि अकाली दल बीजेपी से अलग हो गया है, उनके खिलाफ लगातार बयानबाजी कर रहा है। जी मैं आपको बता दूं, अभी जो अकाली दल की बात चल रही है वो सरकार की तरफ से कोई भी अभी बातचीत का जो नजरिया है वो नहीं देखा गया, और ना ही इनको किसी को बुलाया सरकार ने बात करने के लिए अभी कोई बुलाया। मगर अगर की बात की जाए तो लगातार के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है, हरियाणा से पंजाब से लगातार किसान जो है वो दिल्ली के अंदर मार्च कर रहे हैं, दिल्ली पहुंच रहे हैं, पूरे बॉर्डर जो है दिल्ली सील किए हुए, और दिल्ली पुलिस की अगर बात की जाए दिल्ली पुलिस ने पूरे बॉर्डर पे अपनी जो फोर्स है वो पूरी की पूरी तैनात कर दी है। अगर यही जो हालात रहे तो कुछ ना बड़ा करने पे किसान जो है वो मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि सरकार को उन्होंने पहले अल्टीमेटम दे दिया कि अगर आपने ये बिल हमारे वापस नहीं लिए तो आने वाले टाइम के अंदर प्रदर्शन काफी तेज होगा, जिससे सरकार को काफी दिक्कतें आ सकती। बिल्कुल नीरज, और इसी काले दिन को लेकर जैसा कि किसानों का कहना है, इसको लेकर क्या कुछ अपडेट मिल रहा है दिल्ली में, किस तरह की हलचल है? देखिए अभी मैं बता दूं, दिल्ली के अभी रकाबगंज गुरुद्वारे के ऊपर जो अकाली दल जो है अपनी ये प्रदर्शन कर रहे हैं और यहाँ से संसद तक जाएंगे। अभी दिल्ली की अगर हालात की बात की जाए तो दिल्ली के अंदर इस टाइम काफी जाम की स्थिति भी बन गई है, और जो रूट डाइवर्ट किए हुए हैं उनके मद्देनजर अभी दिल्ली ट्रैफिक पुलिस जो है वो उस पर काफी प्रदर्शनकारियों को लेकर काफी चिंतित भी है, क्योंकि जो जिस तरीके से ये दिल्ली के अंदर जमा हो रहे हैं, दिल्ली के अंदर आ रहे हैं, उससे दिल्ली पूरी तरह बंद भी हो सकती है, पूरी दिल्ली जाम भी हो सकती है। मगर अभी देखा जाए तो कुछ भी दबाव जो है सरकार के ऊपर बनता नजर नहीं आ रहा है। चलिए ठीक है नीरज, आप नजर बना के रखिएगा, अपडेट आपसे हम लेते रहेंगे, फिलहाल के लिए शुक्रिया। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं किसानों और पुलिस के बीच झड़प, शिरोमणि अकाली दल के जो कार्यकर्ता हैं उनके बीच झड़प जो है वो देखने के लिए मिल रही है। तो आज तीन कृषि कानूनों का एक साल पूरा हो गया है, इसके मद्देनजर आज जो किसानों का कहना है, उनका यह कहना है कि हमारी मांगें पूरी नहीं हो रही हैं, तो ऐसे में हम अपना आंदोलन जारी रखेंगे। इसके अलावा आज के दिन को हम काले दिवस के रूप में मनाएंगे, काला दिन के रूप में मनाएंगे, ब्लैक फ्राइडे प्रोटेस्ट मार्च जो रखा गया है ये शिरोमणि अकाली दल की तरफ से रखा गया है। रकाबगंज जो गुरुद्वारा है काफी भीड़भाड़ वाले इलाके में है, तो ऐसे में वहां पर इनका प्रदर्शन जारी है, लेकिन दिल्ली पुलिस पूरी तरह से हाई अलर्ट मोड पर है, जगह जगह नाकेबंदी की हुई है। इसके अलावा संसद को पूरी तरह से चक्रव्यूह तैयार कर दिया गया है, चक्रव्यूह इसी वजह से क्योंकि बीते 26 जनवरी को हमने देखा था कि किसान ट्रैक्टर रैली निकाल रहे थे, लेकिन इस ट्रैक्टर रैली में हुआ क्या था वो किसी से छिपा नहीं है, कुछ उपद्रवियों ने वहां पर जोरदार हंगामा किया। किसान नेता पवन खटाना हमारे साथ जुड़ गए हैं। पवन जी सबसे पहले न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया में आपका बहुत स्वागत है। जी नमस्कार जी। पवन जी आज कृषि कानून जो कि नया पारित हुआ था उसका एक साल हो गया है, सबसे पहले आप क्या कहेंगे ये मैं जानना चाहूंगी। जी देखो हम तो एक साल हो जाए या तीन साल हो जाए हम तो कृषि कानूनों को मानते नहीं। ये जो कानून लाए गए हैं ये देश के किसान को बर्बाद करने के लिए लाए गए हैं, पूंजीपति और उद्योगपतियों को लाभ देने के लिए लाए गए हैं, और मोदी जी ने अपने जन्मदिवस पर ही लाए हैं, तो मोदी जी का जन्मदिवस तो पूंजीपति मना रहे हैं ना, सरकार पूंजीपतियों की है, मोदी सरकार पूंजीपतियों की सरकार है, बीजेपी की सरकार है ही नहीं। तो ये तो कानून और मोदी बिल्कुल उसी हिसाब से चलते रहेंगे, जितने दिन के हो गए उसी हिसाब से ये डाउन होते चले जाएंगे। नहीं तो सरकार कह रही है कि किसानों का जो छोटे किसान हैं उनका फायदा है, और वो जो किसान हैं जो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं वो ऐसे किसान हैं जो छोटे किसानों को अपने खेतों में काम करवाते हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? मुजफ्फरनगर में जो पंचायत हुई थी वो सब बड़े किसान थे, जो पिछले एक साल से या 9 महीने से 10 महीने से दिल्ली के बॉर्डरों पर बैठे हैं ये सब बड़े किसान हैं। ये इनकी अपनी जो नीति है, कभी कहते हैं पंजाब के किसान है, कभी कहते हैं हरियाणा के किसान है, कभी कहते हैं
पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान है, कभी कहते हैं जाट है, कभी कहते हैं खालिस्तानी है। अब नया सिकुवा चला दिया कि छोटे किसान नहीं है, बड़े किसान है, छोटे किसान को फायदा होगा। मैं आप चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि अगर आप ये कहते हो कि छोटे किसान है तो छोटे किसान का फायदा कैसे हो जाएगा? अगर मेरी 5 बीघे जमीन में मैंने अपने में अगर टमाटर बोए तो मैं टमाटर बेचने के लिए कर्नाटक जाऊंगा क्या? बताइए आप, हमें कौन सी ऐसी मंडी है जहां पर हमें रेट मिलेगा? कौन सी ऐसी मार्केट है जिसमें हमें अपनी धान का MSP मिलेगा? कौन सी ऐसी मार्केट है जिसमें हम गन्ने को बेच पाएंगे अपने रेट? ठीक है पवन जी, लेकिन लेकिन सरकार तो एक साल से यही कह रही है ना कि ये आपके लिए फायदेमंद है, किसानों को इस पर बात करनी चाहिए। वार्ता हुई भी लेकिन वार्ता से कुछ निकला नहीं। आगे क्या किसान अब करने वाले हैं? अब तो एक साल हो गया, आंदोलन कब तक चलेगा, ये प्रदर्शन कब तक चलेंगे, कब तक सरकार से यूं ही लड़ाई जारी रहेगी? पाजौल जी, आंदोलन जब तक चलेगा तब तक ये बिल वापस नहीं होंगे। या तो ये सरकार कानून वापस करे या ये सरकार वापस जाएगी। लेकिन यहाँ पर कानून वापस तो घर वापस, ठीक है। लेकिन यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है, बीजेपी की तरफ से कहा जाता है, मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अब राजनीति हो रही है। जो असली किसान है वो तो अपने खेतों पर काम कर रहा है, लेकिन ये जो किसानों के नेता हैं वो बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं किसानों को, ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं। जब देश में 15 लाख किसानों के नेता, मुजफ्फरनगर में 15 लाख किसान नेता एकत्र हो सकते हैं, जब 25 लाख नेता दिल्ली में आंदोलन कर सकते हैं, 4 लाख ट्रैक्टरों को लेकर के नेता आ सकते हैं, तो जिस दिन किसान आएगा उस दिन क्या होगा? अगर किसान नेता इतने हैं तो फिर तो इसमें कुछ बचा ही नहीं देश में। अगर देश में इनकी काउंटिंग नेताओं की कर दी इन्होंने कि ये सब नेता हैं, तो फिर किसान कहाँ है? खेत में भी नहीं रहा किसान तो। अगर मुजफ्फरनगर में जो रैली थी, जो पंचायत थी, जो किसानों का एक सम्मेलन था, उसमें किसान नेता थे या किसान था? सरकार तो यही कहती है, बीजेपी तो यही कहती है कि किसान नेता थे, राजनीति चमकाने की कोशिश हो रही है। किराए की नहीं थी। अगर मोदी जी अलीगढ़ में जाकर के कहते हैं कि चौधरी चरण सिंह जी के आगे बढ़ाता हूँ मैं, चौधरी छोटे राम जी के जो कार्य हैं उनको आगे बढ़ाऊंगा, तो उनको आगे बढ़ाने का ये नहीं है वो मंडियां खत्म करेंगे। मंडियों का जो प्रक्रिया बनाई थी वो चौधरी चरण सिंह और छोटू राम जी की देन थी। और आज हरियाणा और पंजाब में अगर किसान अपने आप को समृद्ध मानता है तो सिर्फ और सिर्फ वहाँ इसलिए मानता है क्योंकि वहाँ पर MSP पे खरीदारी होती है। नहीं, अगर ये जो आज दिल्ली में जो श्रीमणि अकाली दल, देखिए आप किसान नेता हैं लेकिन फिर भी मैं आपसे पूछ रही हूँ, श्रीमणि अकाली दल जो है किसानों के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ निकला हुआ है, संसद का घेराव करने की कोशिश हो रही है कि संसद तक मार्च निकालेंगे, इससे जब सरकार एक साल में नहीं सुन रही है या एक साल में सरकार ने नहीं देखा है, तो आज के दिन क्या सरकार बदल जाएगी या सरकार के जो विचार हैं वो बदल जाएंगे? इनकी जमीन खिसक गई है। अकाली दल वालों को ये लग रहा है कि हमने बीजेपी के साथ में गठबंधन करके अपने आप को खत्म कर लिया है। पंजाब में बीजेपी का और अकाली दल का गठबंधन रहा था, जिस समय पे ये कृषि कानून लाए गए तब वो सरकार में शामिल थे। हरसिमरत कौर जी ने कानून बनने के बाद में, जब पंजाब में उनका बहुत बड़ा विद्रोह हुआ और उन्हें ये लगा कि अब हम पंजाब में नहीं रह पाएंगे, यानी उनका विद्रोह सिर्फ अपने लिए था, किसानों के लिए नहीं है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ किसानों का फायदा उठा रही है श्रीमणि अकाली दल। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, पहले बात तो सुन ले, आप बीच में से रोक दे, तो मैं ये कह रहा हूँ जब अपनी जमीन खिसकती है, चाहे मोदी हो, चाहे योगी हो, चाहे अकाली दल हो, चाहे कांग्रेस हो, हम ये नहीं कह रहे कांग्रेस इसमें नहीं है, 2012 में कांग्रेस भी यही बिल लेकर आना चाहती थी, और आज इन्हें ये लग रहा है कि हमने ये गलत कर दिया। अकाली दल का वहां पे पंजाब में जाना दूभर हो रहा है, तो किसानों के बीच में तब जा सकते हैं जब किसानों के पक्ष में आंदोलन करें, किसानों के पक्ष में खड़े हों। इसलिए टोटल देश की राजनीतिक पार्टियां छोड़ करके पूंजीपतियों के सहारे चलने वाली पार्टी ही इसमें आंदोलन नहीं करेगी। और इसे ये समझ आता है पवन जी कि ये जो किसानों का आंदोलन है वो एक साल पूरा होने के बाद भी लगातार जारी रहेगा, और आज जो तस्वीरें सामने आ रही हैं इससे ये पता चलता है कि अभी किसानों में काफी ज्यादा गुस्सा है इस कृषि कानून को लेकर। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आज 3 कृषि कानूनों का 1 साल पूरा हो गया है, जिसको लेकर श्रीमणि अकाली दल, आम आदमी पार्टी,
इस दिन को काला दिवस के रूप में मनाने की कोशिश कर रही है। तमाम किसान और तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो सड़कों पर उतरे हुए हैं। दिल्ली में संसद घेराव की कोशिश, संसद तक मार्च की कोशिश यहाँ पर की जा रही है, लेकिन दिल्ली पुलिस पूरी तरह से अलर्ट है। किसानों का साफ तौर पर कहना है कि एक साल हो या तीन साल हो या चार साल हो या पांच साल हो, जब तक कृषि कानून वापस नहीं होगा तब तक किसान नहीं हटेगा। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।